अबे साहब अब कुछ आपकी पसंद ना पसंद की बात कर लेते हैं वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक को भी मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं डोमेस्टिक को ज़रूर प्रेफर करता हूँ वो मैं ज़रूर खेलता हूँ लास्ट जो हुआ था बांग्लादेश टूर के बाद ही दो मैच रहते थे अभी तो मैं घर जा सकता था लेकिन मैंने फिर बक, मैंने ख़ुद फ़ोन किया कोच को रज़ाक भाई थे तो मैंने कहा जी मैंने मैचेस खेलने हैं तो वो कह रहा है कि आओ जरूर खेलो आप तो मैंने डोमेस्टिक को ज़रूर क्योंकि डोमेस्टिक ही यब भाई हमारी बेस है उसी की वजह से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो मैं उसको ज़रूर प्रेफ़र करता हूँ आबिद अली की नज़र में ज़्यादा बेहतर कौन महबा हक या यूनुस खान दोनों मेरे साथ महबा भाई ने भी बहुत काम किया और यूनस भाई ने भी मुझे याद है आज जब मैंने डबल सेंचुरी की थी तो यूनस भाई ने मुझे ना वहाँ पर हम लोग विकेट पे थे तो वहाँ पर मुझे कहा था कि आबिद मैंने ना यहाँ पर 200 किया था तो मैंने वहाँ चौका लगाया था साइन बोर्ड की तरफ तो मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मैंने 200 करना है मैंने उनको ये जरूर कहा था कि यूनस भाई कि मैं ना इन आपको अच्छी इनिंग खेल के जरूर दिखाऊँगा तो यूनस भाई और मिसबा भाई दोनों ने मेरे साथ बहुत बहुत काम किया मेरे साथ। बाबर आजम या मोहम्मद दोनों बिल्कुल किस नज़रिए से आप कह रहे हैं मतलब बाबर आजम मेरा कैप्टन भी है और अच्छा प्लेयर भी है और हम लोग कट्ठे खेले भी हैं डोमेस्टिक वगैरह पे या मेरे साथ एन सी ए वगैरह पे रज़वान भाई की एक माशाल्लाह उनकी एक ख़ास दो तीन ऐसी चीज़ें हैं हम लोग नमाज़ कट्ठी पढ़ते थे तो दीनी लिहाज से भी वो साथ हमें मिलजुल के साथ रखते थे तो इंग्लैंड टूर मुझे याद है कि बहुत बड़ा था तीन साढ़े तीन माह का था तो हम लोगों ने मिल के ही सबको इकट्ठा किया था तो वो बड़ा अच्छा हमारे सब के लिए कोविड भी था वो सब मिलजुल के हम लोगों ने इकट्ठा तो दोनों साथ ही थे दोनों अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे प्लेयर भी हैं कराची या लाहौर दोनों हम पाकिस्तान का है पाकिस्तान कराची भी है और लाहौर भी है मिचल मेचर स्टार दोनों माशाल्लाह वन ऑफ़ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का वन ऑफ़ द बेस्ट शाह अफरीदी और मिचर स्टार को ये अफसोस ज़रूर है कि मैं खेल नहीं सका क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं आस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है तो मैं ज़रूर खेलता बड़ा प्लान बनाया हुआ था मैंने लेकिन जो ऊपर वाला प्लान बना था वही सबसे बेस्ट मोहम्मद हफीद शह मलिक मोहम्मद हफी <laughs> ये मुख्तलिफ चेंज हो गया बेसिकली हफीज भाई का एक अपना किरदार है और शेब भाई का अपना एक किरदार है तो अपने अपने किरदार की तरफ मैं रवा दवा हूँ तो ममूना रईस साहब ये बताइएगा कि आप लोग जो घर में गुफगू करते हैं पॉलिटिक्स पे बातचीत होती है थोड़ी बहुत आ, पॉलिटिक्स पे ज्यादा यानी इतनी नहीं हम पॉलिटिक्स को वो करते अच्छा बात नहीं करते लेकिन आजकल कर जैसे आपने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई अब तो हर किसी की ज़ुबान पे यही होता है कि यह हुकूमत है पॉलिटिक्स में यानी इन्होंने क्या किया है आके बहुत महंगाई हो गई वो बड़ी मीन बन रही है कि वो दिखा रहे हैं कि जी खातून जा रही है देगची लेकर फ्राई फ्राईफान लेकर और उनका जो शोर है वो रजाई में से तेल की बोतल निकाल के उनको दे रहा है तो ऐसा तो नहीं होता ये

कौन सा टूर है जहाँ से आपको उम्मीद थी कि ये कोई तोहफा लेकर आएंगे और नहीं लेकर आएंगे कौन सा कौन सा टूर नहीं है या ये कहते हैं आप वो गायब हो रहा है <laughs> बांग्लादेश से क्या लेकर आई है आपके लिए <laughs> बांग्लादेश इतना अच्छा टूर गया था उसके बाद टेंशन <laughs> तो ये मुझे बताइए बाद में यानी कितनी वो हुआ फिर कराची चले गए इतना अच्छा टूर गया उसके बाद बस ऐसा हुआ कि हालांकि मैंने इनके लिए तोहफा ले रखा हुआ था यहाँ पे अच्छा हमारी एनिवर्सरी होती है ना सेवनटीन दिसंबर तो मैंने यहाँ पे इनके लिए बल्कि गिफ्ट जब आएंगे तो मैं इनको दूंगी तो बस ऐसा ही हुआ फिर लेकिन जब आगे थे मैंने दे दिया था अच्छा तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन है मोहम्मद यूसुफ सर नाइन्टी फोर में जोहानस में वर्ल्ड चैम्पियन बने तो जब उनकी बेगम उनको कायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर लेने गई तो उसने पहला सवाल ये किया कितने पैसे मिले तो उन्होंने कहा सत्तर हजार रुपए तो आप मुझसे सवाल करती हैं कितने पैसे हैं आपके पास नहीं नहीं मैंने नहीं कभी पूछा नहीं सारा कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखा है <laughs> नहीं ऐसा कभी कभी नहीं ऐसा हुआ इतफाक ना कभी मुझे पूछा है ना कभी मैंने आपको अलहमदिल्ला जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि कभी कोई ऐसा नहीं है कि झगड़ा हुआ हो इस मामले में या कभी जी मुझे ये ख्वाहिश मुझे ये चाहिए या मुझे इस तरह चाहिए या वो चाहिए तो मतलब जब, जब, कभी भी कहा ना तो मैंने ये नहीं देखा फिर कितने का है क्या है क्या नहीं है अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने इतनी तोफ़ी दो हज़ार सोलह में शादी हुई हाँ जी ठीक है हाँ जी कितना हक मैं पच्चीस पच्चीस हज़ार पच्चीस हज़ार तो आपने हजार और, वो और एक तीन तो लेके चूड़ियाँ थी दिया इन्होंने आपको उसी टाइम उसी टाइम अच्छा उसी टाइम ये हक है ये तो मेरे वाले साहब ने जब थे मेरे हाथ में पहले दिया। हाथ में दिए और उसके बाद फिर मतलब फिर मेरे वाले साहब से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ क्रिकेट में भी उनसे ही सीखा काफ़ी उन्होंने मेरी जो क्रिकेट में जो प्रेपरेशन जो कह सकते हैं ना घर से जो होती है वो मेरे वाले साहब हैं मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं जब डिसार्ड होता हूँ तो वो उनको पता चल जाता है कि आज इसने स्कोर नहीं किया या कुछ नहीं हुआ तो वो मुझे बता देते हैं कि कोई मसला नहीं है टेंशन नहीं लो अल्लाह ताला देगा इज्जत तो वाले साहब ने ये जो ए, हुआ था उसी वक्त मतलब एक इस मामले में तो एक लम्हा भी नहीं सोचा था उन्होंने उन्होंने कहा जो उसका हक है वो सबसे पहले उसका हक है भाभी तो ये बताइएगा कि अब आब आबिद अली तो आपके लाइफ पार्टनर हैं क्रिकेट पाँच साल में आपने सीख ही ली थोड़ी बहुत आबिद अली के अलावा कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है आपको मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान अच्छा और बॉलिंग में बॉलिंग में शाहिना फ्रीदी भी अच्छा है और हसन अली के भी तो तभी आपने है से शिकवा किया कि यार आप पीएसएल क्यों नहीं खेलते नहीं मेरे ख्याल में ये शिकवा भी नहीं किया मैंने अच्छा बड़ी साफिर शाकिर हैं आप <laughs> मैं आपकी हंसी का क्या मतलब है <laughs> नहीं आपने सवाल <laughs> आपने आंसर ही बड़ा अच्छा दिया बड़ा सुकून साफिर शाकिर है मेरे कहा हाँ जी अलहमदिल्ला